बदनावर में शहीदों व कोरोना काल में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा शांति के लिए किया तर्पण। बदनावर में प्राचीन दर्शनीय स्थल नागेश्वर महादेव मंदिर के पवित्र कुंड में समर्पित अमावस्या को अनाम शहीदों, अमर क्रांतिकारियों एवं कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों की आत्म शांति के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। कार्यक्रम पंडित सुरेश शर्मा के आचार्य तत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंत्रोच्चार के सूर्य देव को अर्थ देते हुए ज्ञात अज्ञात शहीदों व अमर क्रांतिकारियों एवं पिछली दो कोरोना लहर के दौरान दिवंगत लोगों को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई। शहीद गैलरी के संस्थापक शेखर यादव ने बताया कि समर्पित अमावस्या पर यह कार्यक्रम पिछले 18 वर्षों से हो रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। हवन पूजन के पश्चात शहीद गैलरी में भारत माता की आरती कर अमर क्रांतिकारियों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। बदनावर से ब्यूरो चीफ राजेश चौहान की रिपोर्ट। पवित्र गंगा जल आ रहा है अंदर से। देखिए, हमने अपने पितृदेवताओं का और मित्रों का भारत के वीर सपूतों का तो साधुवाद है, क्योंकि आज जिन सैनिकों का, जिन शहीदों का, क्योंकि हम आजादी की जो खुली सांस में हवा ले रहे हैं, इनके कारण ले रहे हैं। क्या वो हजारों लोग लड़े थे जब हम 30-35 करोड़ लोग आजाद हुए थे। आज हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ है। अब देखो मित्रों, यह कितनी बड़ी व्यवस्था है हिंदू धर्म के अंदर कि हमको पता नहीं है, लेकिन इसी पीढ़ी में नरक में चला गया नरकेशु उनके नाम से।